चलो लेट्स स्टार्ट। अप्रैल 2022 पेपर। हाउ मेनी क्वेश्चंस? थ्री। थर्ड क्वेश्चन नहीं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज 25-year-old यूनिट लिंक प्रोडक्ट टू अ लाइफ एज्ड एक्स एग्जैक्ट। द प्रॉफिट वेक्टर ऑफ द पॉलिसी एंड द रेलिवेंट अजम्पशंस इज गिवन इन बेस वर्कशीट। आज बस अभी स्टार्ट किए। डिटरमाइन द रिजर्व्स रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर टू जीरोइज द फ्यूचर नेगेटिव एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फॉर दिस पॉलिसी। तो क्विकली लेट्स ओपन। डो डो डो, ये क्या है और ये क्या है? ये आंसर है। फिर तुम लोग बात करना स्टार्ट कर दिया, निकाल देंगे क्लास से, घर जाओ। ये आंसर्स इसमें दिए हुए हैं। ओह, दिस इज आंसर वाला। चल आई, फिर क्यों इतना गॉसिप करता है? चलो स्टार्ट करो, देखो तुम लोग कितना टाइम में इसको फिनिश कर पाते। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जीरोइजेशन का क्वेश्चन है। इसको फिनिश करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। अभी स्टार्ट ही किए बस। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालने बोला है? जीरोइजेशन करने के लिए बोला है इन द फर्स्ट पार्ट, एंड दे आस्किंग अस डिटरमाइन द रिजर्व सो दैट वी हैव द सो दैट वी डोंट हैव अ नेगेटिव कैश फ्लो इन फ्यूचर, है ना? एंड ये देख लो, ये हम लोग को नॉन यूनिट कैश फ्लोज ऑलरेडी गिवन है। प्रोबेबिलिटी दैट द पॉलिसी इज इन फोर्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर गिवन, ये क्या है जो हम लोग प्रॉफिट सिग्नेचर के लिए यूज करते हैं? टीपीएक्स, वो दिया हुआ है। And then we have the risk discount rate, and then we have the rate of interest on the non-unit cash flows. So, ये हम लोग को base worksheet में सब कुछ given है. So now you can take these values from the first. एक बार देख लो. I'll not repeat this again. First अभी start ही किया part one. We've taken it. We'll take the non-unit cash flows and probabilities from the previous sheet. Drag कर देंगे पूरा. रिजर्व एट द ईयर एंड, देखो इसमें इन्होंने क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू दोनों किया है। सो इफ यू ऑल वॉन्ट, यू ऑल कैन रीड द क्वेश्चन टू ऑल्सो। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बोथ बिफोर एंड आफ्टर अलाउइंग फॉर द रिजर्व। तो सबसे पहले तो रिजर्व कैसे निकालेंगे ये बताओ, रिजर्व कैसे निकालेंगे ये बताओ। हाँ quickly, नीचे से स्टार्ट करते हैं, है ना? तो ये वाला, पहले वाला, आफ्टर द पॉलिसी हैज एंडेड, रिजर्व क्या होना चाहिए?
ये वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देंगे सिंस दिस सेल इज डिफरेंट. ये वाला क्या होगा? हाँ, इसको एक स्टेप आगे लेके आते हैं. कैसे लेके आते हैं एक स्टेप आगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ड्यूरिंग दैट ईयर 24 से 25 के बीच में सर्वाइव करने का, फिर माइनस कैश फ्लो, ये पूरा चीज. कौन सा कैश फ्लो करेंगे, ये वाला कि नहीं? नीचे वाला कैश फ्लो करेंगे. एक सेकेंड, नीचे वाला कैश फ्लो करेंगे, फिर दिस थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई. आई हम लोग को इधर गिवन है 4% की 7%, कौन सा लेना है? हाँ, कौन सा लेंगे बोलो क्विकली इन द चैट बॉक्स. 4 की 7 आरडीआर है और ये है नॉन यूनिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली 4% लेंगे. इसको एब्सोल्यूट करेंगे एंड देन यू जस्ट गेट द आंसर. बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव हम लोग को रिजर्व्स नहीं रखना है बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली बोला है. सो वील अप्लाई अ मैक्स फंक्शन की या तो ये या फिर कॉमा जीरो देख लो एंड देन उसको आप ऊपर ड्रैग कर दोगे एकदम, तो ये आपके रिजर्व्स आ गए. वेरी गुड मिताली. नेक्स्ट, ये हमारा रिजर्व आ गया. अब इसके बाद नेक्स्ट बोला है प्रॉफिट निकालने, तो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर अलाउइंग फॉर रिजर्व एंड बिफोर अलाउइंग फॉर रिजर्व. तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताओ? ये वाला प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नॉन यूनिट कैश फ्लो, जो भी आपका फाइनल कैश फ्लोज आ रहे हैं उसमें खाली आपको रिजर्व अकाउंट में लेना है ना, तो आप रिजर्व को ऐड करते हो कि माइनस करते हो? माइनस रिजर्व करते हैं प्रोबेबिलिटी इनटू दिस, है ना? रिजर्व जितना बना रहे हो उसको आप लोग माइनस करते हो ना, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट. बट ये है आपका प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, पहला साल. नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा बोलो? नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? अगर मैं इसको ड्रैग करूं एक बार तो ये क्या होना चाहिए? दिस इज प्रॉफिट एट द ईयर एंड एंड दिस इज द रिजर्व एट द ईयर एंड. तो फर्स्ट समझना, ध्यान से सुनना, फर्स्ट ईयर के एंड में ये तुम्हारा नॉन यूनिट कैश फ्लो है, इसमें से रिजर्व जो निकालना है फॉर द पीपल हु सर्वाइव इन द फर्स्ट ईयर वो हमने माइनस कर दिया. पहला साल के एंड में आप 1, 2, 3, 3 का रिजर्व बनाओगे फॉर हाउ मेनी पीपल? दोज हु सर्वाइव इन द फर्स्ट ईयर इंटू 0.9 हो गया. अब उसको आप किससे माइनस करोगे? कैश फ्लो से. तो वो आपका प्रॉफिट आ गया. नेक्स्ट ईयर के एंड में क्या प्रॉफिट रहेगा? नेक्स्ट ईयर के एंड में ये तो है ही, आपको इस रिजर्व को भी तो आगे लेके जाना है. आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट करोगे ना, आप इस रिजर्व को भी तो आगे लेके जाओगे. यस और नो? हाँ बोलो. तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? व्हील एड दिस, ये ओपनिंग रिजर्व हो गया ना एक तरीके से नेक्स्ट ईयर का. तो ओपनिंग रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट में? ऐड. और क्लोजिंग रिजर्व को माइनस. तो ये आपका क्लोजिंग रिजर्व है और ओपनिंग रिजर्व को ऐड करना पड़ेगा ना. सो दिस इनटू 1 प्लस आगे लेके जाएंगे कितना परसेंट? 4%. मेक इट एब्सोल्यूट देख लो. अरे समझो, सेकेंड ईयर के एंड पे जो कैश फ्लो है दैट इज माइनस 230, ठीक है?
माइनस क्लोजिंग ओपनिंग प्लस ओपनिंग होता है ना, तो माइनस क्लोजिंग कर दिया प्लस ओपनिंग, ओपनिंग को 1 साल आगे लेके जाएंगे ना, क्योंकि ओपनिंग तो स्टार्ट में है, दैट इज वाई उसको 1 साल आगे लेके जाएंगे। अब बस हो गया, इसको ड्रैग कर दो। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी। तो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे बताओ। पहला साल में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी इज 1। नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, वही 1 इंटू दिस। ठीक है, इसको ड्रैग कर दो। डिस्काउंटिंग फैक्टर आरडीआर यूज करके 1 प्लस आरडीआर टू दी पावर माइनस, ये हो गया हम लोग का डिस्काउंटिंग फैक्टर। पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट विथ नो रिजर्व क्या हो जाएगा, जो आपका नॉन यूनिट है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू सर्वाइवल। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट विथ नो प्रॉफिट्स, विथ नो रिजर्व, सॉरी विथ रिजर्व क्या हो जाएगा, ये वाला प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर रिजर्व इनटू सर्वाइवल इनटू डिस्काउंटिंग। ठीक है, देख लो। ठीक है, लास्ट वाला वैल्यू सेम आ रहा है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं किया ना हम लोग अभी तक, तो लास्ट ईयर में तो कोई भी रिजर्व नहीं, तो वो सेम ही आएगा। कंप्लीट करो उसको। फर्स्ट क्वेश्चन तुम स्किप कर दो, सेकंड से करना। रूम ठीक है, रिजर्व हम लोग रिस्पेक्टिव अप्रोच नहीं जैसे करते हैं। कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल माइनस सॉरी नेक्स्ट पहले साल का रिजर्व अगले साल का, उसको आप पीछे लेके आ रहे हो ना, तो नीचे वाला रिजर्व इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल माइनस कैश फ्लो इनटू वी व्हिच इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। मैक्सिमम ऑफ 0 कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव रिजर्व्स नहीं हो सकता। ये हो गया यहाँ पे ओपनिंग प्लस, इसमें हाईलाइट कर देते हैं ये अलग है, ओपनिंग रिजर्व प्लस हो जाएगा एंड क्लोजिंग रिजर्व माइनस। लास्ट पार्ट बोल रहे हैं क्वेश्चन का, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑन द प्रॉफिट फॉर द पॉलिसी बाय सेटिंग अप द रिजर्व। तो क्या हो रहा है देखो, अगर जो तुम लोग ऐसे कंपेयर करोगे तो हम लोग का प्रॉफिट शुरू में देखो नेगेटिव आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। सबसे पहला इफेक्ट क्या हुआ है जो हम लोग को चाहिए था, क्या चाहिए था, जीरोइजेशन। तो सारे प्रॉफिट जो भी नेगेटिव थे वो अभी 0 हो गए, सो देर आर नो नेगेटिव प्रॉफिट ओनली एट द स्टार्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो जीरोइजेशन, या फिर एक और वर्ड होता है व्हेन यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फ्यूचर फाइनेंसिंग। क्या बन जाता है ये, सेल्फ फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो बन जाता है। सेल्फ फाइनेंस सुना होगा ना, सेल्फ फाइनेंसिंग थ्योरी में अगर थोड़ा बहुत भी कमेंट्स पढ़ा होगा तो। सो इट बिकम्स अ सेल्फ फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो नाउ, मतलब आपका अगर कोई नेगेटिव प्रॉफिट है भी, सो दैट इज हैपनिंग एट द स्टार्ट ऑफ द पॉलिसी। आफ्टर दैट यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फाइनेंसिंग, दैट इज वॉट इज एक्सपेक्टेड वंस वी सेट द रिजर्व। अगेन वन मोर थिंग दैट इट लीड्स टू, सिंस यू हैव क्रिएटिंग अ रिजर्व इट लीड्स टू डेफरमेंट ऑफ द प्रॉफिट, हेंस द प्रॉफिट गेट्स डेफर्ड सिंस वी आर क्रिएटिंग रिजर्व आउट ऑफ दैट प्रॉफिट फिगर इट सेल्फ। क्लियर? तो ये सब हम लोग को बोलना है। ठीक है, और रिजर्व्स हम लोग कब सेट असाइड करते हैं, तभी सेट असाइड करते हैं जब हम लोग का
नेगेटिव प्रॉफिट्स हम लोग को दिख रहा होता है. सो इट डिलेज द इमर्जेंस ऑफ प्रॉफिट्स. देर आर नो नेगेटिव कैश फ्लोज हैपनिंग इन फ्यूचर. एंड ऑब्वियसली द टोटल प्रेजेंट वैल्यू विल ऑल्सो चेंज. अगर हम इसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू शायद निकाले तो देखो वो भी चेंज हो जाएगा. नेगेटिव आपका आ रहा है टोटल प्रेजेंट वैल्यू. पीवी विल रिड्यूस. अच्छा पीवी क्यों रिड्यूस हो रहा है? कैन एनी वन टेल मी उसमें इन दोनों का क्या इम्पैक्ट है? कि जो आपको रिजर्व में इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना का इंटरेस्ट मिल रहा है रिजर्व में? 4%. एंड जिस रेट से आप डिस्काउंट कर रहे हो वो कितना है? वो ज्यादा है. सो द रेट एट विच यू आर अर्निंग योर रिजर्व इज अर्निंग इंटरेस्ट इज 4%. हाउ एवर द रेट एट विच यू आर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लोज इज हायर, इट इज 7%. एंड हेंस द रीजन यू गेट अ लेसर या नेगेटिव प्रॉफिट एनपीवी आफ्टर अलाउइंग फॉर रिजर्व. तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो भी मैंने बोला है तुम लोग लिख लो कहीं पे, क्योंकि ये 5-6 पॉइंट कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स का. आप लोग लिखोगे रबिश एंड आप लोग को मिलेगा 1 मार्क, जबकि इस क्वेश्चन में एटलीस्ट 5/5 मिलना चाहिए. बिकॉज ये जो कमेंट है, ये कमेंट एज इट इज सेम है फ्रॉम योर थ्योरी. कर सकते हैं उदय, कर सकते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स एज वेल. मतलब ये कुछ अलग नहीं किया है, सेम ही किया है. इफ यू ऑल वॉन्ट टू रीड, यू ऑल कैन क्विकली रीड द सोल्यूशन. ये जो क्वेश्चन था इसमें कुछ भी नया नहीं था, बहुत ही बेसिक. कितने मार्क्स का क्वेश्चन? आई थिंक 21 मार्क्स. वेरी इजी 21 मार्क्स. 5/5 आराम से मिलना चाहिए. जो जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं कीवर्ड्स लिख के रख लो. क्या चाहिए? मेरे पे आएगा फिर. तुम आगे बैठो, तो आगे बैठो. तुम्हारे पास स्कोप है चेंज करने का, प्लीज. इन लोग स्मार्ट है, इन लोग अपना जगह लेके बैठ गए. कृति, दिवांश, कीर्ति, दिवांश, आदित्य पीछे जा रहे, आगे नहीं आया. क्लियर है? पॉइंट्स लिखा दिवांश, एक बार बिना देखे 5. हाँ बना नहीं तो क्या हुआ? जो पॉइंट्स मैंने बोला वो यूनिक थे क्या? हाँ बोलो, बोलो मुंह से पॉइंट्स दोबारा रिपीट करो. अगर ये सेम कमेंट 6 मार्क का आ गया तो थ्योरी में 0, 6 में. कमेंट्स तो मैंने कुछ भी नया नहीं बोला, पर ऐ तुम लोग रूम 1 में जाके बैठो, यहां सेल्फ स्टडी नहीं होगा. नहीं रूम 1 में जाके बैठो. आदित्य जाओ रूम 1 में, जो रूम खाली होगा सेल्फ स्टडी उस रूम में होगा. तुम लोग प्रॉफिट टेस्टिंग का आंसर नहीं कर पा रहे बेसिक. क्या तुम लोग पास होगा एग्जाम में? What is zeroization? Why do you do zeroization? क्या बोला तुम? इंग्लिश चेंज कर दिया खाली, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बोल दिया. पास होगा तुम? ये तो मेरे को भी CT5 के टाइम से याद है, अभी मैंने कोई नया नहीं पढ़ा ये. तुम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो नहीं बोल पाया, कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि 5 में एटलीस्ट 1 भी मिले तुम लोग को? लोग पता है ना कमेंट्स में फेल हो जाते हैं कमेंट्स की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी बैड कंडीशन. द क्वेश्चन 2 बेस वर्कशीट कंटेन्स मोर्टैलिटी डेटा एंड अदर अजम्पशंस.
तुम लोग जो कर रहे हो, जो अप्रोच है तुम लोगों का, तुम लोग न्यूमेरिक आंसर्स पे ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हो, बट तुम लोग ये नहीं रियलाइज करो कि तुम लोग का न्यूमेरिक एनीवेज गलत आता है, एनीवेज तुम लोग उसको सही से नहीं कर पाते हो। तो वहां तो तुम लोग जाते ही हो, एट द सेम टाइम कमेंट जिसमें एकदम भी फोकस नहीं किया, जहां पे वी कुड हैव स्कोर्ड मार्क्स, क्योंकि फोकस नहीं किया गेटिंग अ जीरो ओवर देयर एज वेल। 20 मार्क्स ऑफ कमेंट इन पेपर ए, 20 मार्क्स ऑफ कमेंट इन पेपर बी, आउट ऑफ 40 5-6 मार्क्स मिलता है, गया वहीं। ट्राई टू बी स्मार्ट नाउ, दिस इज नॉट अ क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, ठीक है? थोड़ा स्मार्टली पढ़ाई करो, जब एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका कमेंट्स रीड करो, एंड एक कॉपी रखो अपना, 3-4 पेज लगेगा खाली, लिख लो, वर्ड्स लिखना है खाली, सेल्फ फाइनेंसिंग, जीरोइजेशन, नो नेगेटिव कैश फ्लो, डेफरमेंट ऑफ प्रॉफिट, इमरजेंस इन प्रॉफिट, आरडीआर ग्रेटर देन इंटरेस्ट अर्न्ड अगर होता है तब क्या होता है, उल्टा होता है तब क्या होता है, बस इतना 5-6 लाइंस लिखना है हर एक टॉपिक का, एंड यू आर रेडी। एटलीस्ट 5 में 3 मार्क्स मिलेगा, इफ नॉट इवन 5/5, इट्स बेटर देन गेटिंग अ जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन टू, वर्कशीट कंटेन्स मोर्टैलिटी डेटा एंड अदर असम्पशंस यूज्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर प्राइसिंग अश्योरेंसेज एंड एनुइटीज। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रिवर्जनरी एनुइटी ऑफ 10,000 पर एनम पेबल एनुअली इन एडवांस। पहली बात तो एनुइटी है, एनुअली इन एडवांस पे करें, स्टार्टिंग इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ अ फीमेल, करंटली एज 62, मेल करंटली एज्ड। कब मिलेगा एनुइटी? फीमेल जब मरेगी, और मेल को ऑब्वियसली जिंदा रखना है, वरना किसको मिलेगा? भूत को तो मिलेगा नहीं, है ना? तो ये बाय डिफॉल्ट गिवन हो गया। चलो देख लो बेस वर्कशीट में क्या क्या गिवन है। वी हैव LXDX मेल का, LXDX फीमेल का, परसेंटेज ऑफ बेस डेटा फॉर मेल्स, ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये अश्योरेंस के लिए है जो अभी क्वेश्चन में आया नहीं है। परसेंटेज बेस डेटा मतलब ये एनुइटीज के लिए, मतलब मोर्टैलिटी विल बी 85% ऑफ मेल्स एंड 75% ऑफ फीमेल्स, ये वो बोला है, ठीक है? ये इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। For both males and females, the probability of death at age 100 is assumed to be 100%. मतलब दोनों 100 साल में जाके मर जाएंगे। Deaths occur in the middle of the year, ये हमने assumption लिया है। That is all the deaths, ठीक है? The mortality of any policy holder is assumed to be independent of the other policy holders. Clear? कोई भी doubt? चलो let's start with the first one. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि है। अब यहाँ हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, देख लो ये उधर से लेके इन्होंने दे दिया है। अब हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक्सपेक्टेड पीवी निकालना। पहले ऑब्वियसली हम लोग क्या निकालेंगे, मोर्टैलिटी रेट्स निकालेंगे फॉर एनुइटी, विच इज वॉट, क्यू एक्स कैसे निकालेंगे? हाँ एक सेकेंड, डीएक्स बाय एलएक्स, फिर वेरी गुड, इनटू 85%, एंड उसको अपने कर देंगे एब्सोल्यूट, एंड देन यू जस्ट ड्रैग, ठीक है? पीएक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस, देख लो फिर करना, क्यों नहीं 1 माइनस करेंगे, क्यू वाई हो जाएगा आपका, डी वाई बाय एल वाई, पहले देख लो फिर करना, मल्टीप्लाइड बाय, आई विल नॉट शो, मैम दिखाइए ऐसे मत करना, ये हो गया, एंड देन अगेन योर पी वाई विल बी 1 माइनस क्यू वाई एंड यू ड्रैग, ओके, ये हो गया आपका पी वाई। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को मतलब एनुइटी निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रूमन, लेट्स स्टार्ट विथ योर वन, योर लिखते हैं पहला, और क्या लिखेंगे, एज ले लो ना, फीमेल का एज से स्टार्ट करो, क्योंकि फीमेल का कोई पर्टिकुलर एज दिया हुआ है हम लोग को,
है ना, फीमेल का क्या एज दिया हुआ है, 62 से फीमेल का एज स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, वेरी गुड, 100 या फिर 99, है ना, क्योंकि 100 से आगे का तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ 1 2 3 एंड ये मैं लिख देती हूँ 63, 64, वापस से बोलो। हाँ वो डिपेंड करता है, अगर एग्जैक्ट एज 60 पे कुछ मिल रहा है तो तुम 60 लोगी, अगर लास्ट तुम सिक्स और तुमको एट द एंड ऑफ द ईयर मिल रहा है तो तुम 60 तक लोगी। हाँ वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तुम क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको मार्क, उसको लिख लो एक जगह, और फिर कुछ अलग क्वेश्चन आए तो कंपेयर करो कि क्वेश्चन का वर्डिंग्स में क्या डिफरेंस है, तब क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। अभी तुम लोग फिर भूल जाते हो कि कौन से क्वेश्चन में था, कौन से क्वेश्चन में था, जब आए ना उसको लिख लो एक जगह ताकि रेफर करने में इजी रहे कि डिफरेंस क्या है, देख लेना आराम से, अभी टाइम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या, मैम जीरो से योर स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं दिस इज योर, जीरो योर नहीं होता है, वो टाइम होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड योर, योर जीरो कुछ नहीं हो सकता, योर वन होता है, टाइम जीरो होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मेल को जिंदा रखना है और फीमेल को मार देना है। ठीक है, तो हम लोग लेट्स डू वन थिंग, पहले तो हम लोग यहाँ पे PY एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, 62 है और यहाँ पे जो एज स्टार्ट हो रहा है फीमेल का दैट इज 20, तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए PY क्या बोला, PY से स्टार्ट करो, मतलब एक ही बात है, वी लुकअप यूज करके दिस वी हैव टू लुकअप, ये पूरा आपका हाँ टेबल है, एंड कौन सा कॉलम नंबर हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है क्या। ठीक है, तो ये अपना PY आ गया, उसके बाद हम लोग को निकालना है कि अब देखो सपोज अगर हम लोग बोले एनुइटी मिलना स्टार्ट हो रहा है ईयर 4 से, उसका मतलब क्या है, वो ईयर 3 तक जिंदा थी एंड 4 में मर गई, तो हम लोग को NPY निकालना पड़ेगा कि नहीं, NPY निकालना पड़ेगा कि नहीं, निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, ये पहला साल हो जाएगा यही और दूसरा साल हो जाएगा, देख लो फिर तुम लोग बोलोगे मैम उस पे दिखाइए उस पे दिखाइए, ऐसे जीप से करोगे तुम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का NPY, फिर सिमिलरली डू फॉर मेल, मेल का एज कह दिया है 63, इसको भी ड्रैग कर दो नीचे तक, आई 64, सिमिलरली एन नहीं पी एक्स एन एन पी एक्स निकाल लो, वी लुकअप एज, ये हो गया पूरा टेबल, एथ कॉलम क्या, क्यों एथ नहीं सेवन, सेवेंथ कॉलम इसको ड्रैग करो एंड देन ये हो जाएगा सेम, ये हो जाएगा दिस इनटू दिस, तो ये एक बार आ गया ना। अब हम लोग ये हमेशा देखना, मैंने हमेशा हर सब में ऑलमोस्ट ये निकाला है, इससे क्या होता है, नाउ इट बिकम्स इजियर फॉर यू ऑल टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द पार्ट, एनुइटी का जो भी हमारा पार्ट है, इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो मेक अ डिस्काउंटिंग फैक्टर कॉलम ओवर हियर, अगेन बिकम्स इजी टू सॉल्व, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया है, 1+4.75 टू दी पार, क्या करेंगे पहला वाला,
माइनस योर, इसको ड्रैग कर दो। कब मिल रहा है एनुइटी, एट द स्टार्ट की एट द एंड, एक बार देख के बताना। तो कब मिल रहा है और डेथ कब हो रहा है, मिडल ऑफ द ईयर लिखा है डेथ के लिए बेस वर्कशीट में, और इमीडिएटली ऑन डेथ, तो मिडल ऑफ द ईयर लेंगे ना, तो यहाँ इंस्टेड ऑफ 1 ईयर का पूरा डिस्काउंटिंग कितना डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, कितना डिस्काउंटिंग करना होगा, 0.5। तो 0.5 माइनस कर दो इधर से, 0.5 माइनस, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, ओहो रुक जाओ। हाँ सो योर माइनस 0.5, अब सही है, अब सही है, तो ये हो जाएगा, इसको अपने ड्रैग कर देंगे, ठीक है, क्लियर। अब ये हो गया, इसके बाद क्या करना है, एन्युइटी का अमाउंट निकाल लो। चलो कितना बोला एन्युइटी का अमाउंट, बोलो क्वेश्चन में कितना बोला है, 10,000 है, तो अब हम लोग निकालेंगे बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट एन्युइटी इज मेड इन दिस पर्टिकुलर ईयर, प्रोबेबिलिटी एन्युइटी स्टार्ट्स इन योर एन, ठीक है। हाँ मतलब सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो रहा है या थर्ड ईयर से स्टार्ट हो रहा है, वैसे क्या होगा बताओ, कैसे स्टार्ट होगा योर एन बे, वेरी गुड, 1 माइनस एनपी एक्स के एनपी वाई, ये मर गई, एनपी वाई इंटू एनपी एक्स, ये जिंदा है, मेल जिंदा है एंड फीमेल मर गई इन दैट योर। जब आप 1 माइनस एनपी एक्स कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, एनपी क्यू, सॉरी एन क्यू एक्स, 1 माइनस एनपी वाई का मतलब एन क्यू वाई, मतलब एन क्यू वाई का क्या मतलब है, 2 क्यू वाई का क्या मतलब है, पहला साल में या तो मर गया या दूसरा साल में मर गया, तो इसका मतलब हुआ एन्युइटी मेड इन योर एन, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ सेकेंड ईयर में एन्युइटी मिल रहा है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि वो या तो फर्स्ट ईयर में मर गई होगी या सेकेंड ईयर में मरी होगी एंड मेल जिंदा है तब तक, तो वही किया है हमने, 1 माइनस एनपी वाई विच इज एन क्यू वाई विच इज प्रोबेबिलिटी कि वो उस साल या पहले एन ईयर में मरी है एंड मेल अभी तक जिंदा है, ठीक है, हो गया। अब हम लोग ले लेंगे पीवी ऑफ एन्युइटी, विच इज 10,000 का फिगर इधर लिखा है, लोग नहीं लिखा ना, टेन थाउजेंड है क्या, बोलो, सो 10,000, तुम लोग देख नहीं रहे, फिर तुम लोग बार बार पूछेगा कि मैम प्लीज बताइए, मैम प्लीज बताइए, ये हो गया इसका सम ले लेते हैं, एक चीज खाली इसमें चेंज कर दो, ये जो लास्ट वाला फिगर है ना, यहाँ पे 100 आया हुआ है मेल का, और वो मेल का कुछ इधर पे वैल्यू दिया हुआ है, वो गलत हो जाएगा, एक्चुअली मेल का इन्होंने बोला है ना 100 में, तो
बनी है, तो ये आपको मैन्युअली चेंज करना होगा। एक बार देख लो प्लीज इधर, ये जो नीचे वाला फिगर है ना, इसको मैन्युअली हम लोग चेंज करेंगे। जैसे क्यू एक्स, ये हो जाएगा आपका 1, और सिम मेल का 100 आ रहा है ना, इसीलिए एज। और ये आपका क्यू एक्स ही तो है, हाँ, ये फीमेल वाला भी 1 आ जाएगा, तो ये अपने आप फिगर 0 आ गया। जस्ट ये ध्यान रखना कि ये चेंज करना है। क्यू वाई, क्यू एक्स और क्यू वाई को 0, 1 1 कर दो, लास्ट के फिगर्स को 0.5 होगा। कौन सा ले ली, 5.75, 4.75 वाला लेना है, एनुइटी वाला लेना है, अश्योरेंस वाला नहीं। बी फास्ट, इसीलिए मैं बोलती हूँ पहले देख लो। तुम लोग आज फिर से वही गलती कर रहे हैं, तुम लोग लास्ट क्लास में एकदम ठीक से कर रहे थे। पहले मैं क्या कर रही हूँ वो देखो और फिर करो। ऐसे तुम लोग एक एक कॉलम कॉपी मत करो बच्चों की, जैसे कुछ याद भी नहीं होगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। नहीं दिखा सकते, सॉरी, तुम जब तुम उस समय कर रहा था अपने लैपटॉप में।
आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं है। अब देखो तुम लोग यहां से भी मिस कर दोगे, सुन लो इसको। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ मेल एन्युटी होल्डर करेंटली एज 56 एग्जैक्ट डाइज बिफोर अ फीमेल एन्युटी होल्डर करेंटली एज 61 एग्जैक्ट। इसका क्या मीनिंग है? पहले दोनों का एज दिया हुआ है 56 और 61। बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो कि मेल will die exact after a female annuity holder dies. So, क्या मतलब है? Probability कि male मर रहा है but female के बाद, नहीं बाद, female पहले मर रही है, तो इसमें निकालने क्या बोला है हम लोग को, करना क्या पड़ेगा? मतलब basically अगर हम लोग को हर साल देखें, हर साल ये देखना है कि सपोज इस साल फीमेल मेल मरा, गिवन फीमेल मर चुकी है, ठीक है। एक सेकेंड, कैलकुलेट मेल एनुटी होल्डर करंटली एज 56 डाइज आफ्टर अ फीमेल एनुटी होल्डर करंटली एज 61 एग्जैक्ट। हाँ ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली देखना है कि अगर हम लोग बोलेंगे इस साल का हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को बेसिकली ये निकालना है कि इस साल फीमेल मर चुकी है, मेल जिंदा है, तो मेल का जिंदा रखने का प्रोबेबिलिटी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एन्युटी होल्डर बोल रहा है। नहीं, फीमेल को मानना है, मेल को जिंदा रखना पड़ेगा उस साल। तुम लोग जब ईयर वाइज देखेगा तो इस साल हम लोग बोलेंगे कि इस साल फीमेल मर गई, गिवन मेल जिंदा है, तो उसके बाद ही तो मरा ना मेल। नहीं नहीं तुम लोग कैसे लोगे वो वाला, तो गलत हो जाएगा ना। तुम उसमें भी क्या, उसमें भी तुम क्या करती हो बताओ? फीमेल को मार देना है और अगर मेल जिंदा है तो उसका मतलब ही होगा ना मेल सेकंड मर रहा है। अगर हम लोग फीमेल को मार दिए और मेल को जिंदा रखे, मतलब ही तो फीमेल मेल सेकंड मर रहा है, वही चाहिए। कब मर रहा है ये नहीं बोला, बोला है टाइम नहीं बोला। अगर टाइम बोलता तब अपने वैसे करते, ये नहीं बोला कि बताओ इस साल मेल मरेगा और मेल को कुछ एन्युटी मिला या कुछ मिला, गिवन वो आफ्टर फीमेल मर रहा है, तो अपने रखेंगे कि फीमेल मर चुकी है और इस साल मेल मर रहा है, बट यहाँ टाइम फ्रेम नहीं दिया है, बोले मेल सेकंड मर रहा है, तो फीमेल को मार देना है, मेल को जिंदा रखना है। सो सुन लो पहले कैसे करेंगे। इस शीट का ना आई एम मेकिंग अ कॉपी, बट इसमें चेंजेस होंगे। आई थिंक दे हैव इस, नहीं खुद से नहीं बनाते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, पहले देख लो। एक सेकेंड, तुम लोग करना मत स्टार्ट करना, आई विल नॉट, तुम लोग को इतना जो टाइम लग रहा है ना वो टाइम सेव होगा तुम लोगों का। तो ये मैं कॉपी कर रही हूं एक बार शीट, ऑल TM, एक बार देख लो पहले, एक दो मिनट लगेगा। ये हो गया, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, एंड यहाँ पे जो भी रीनेमिंग एंड ऑल करना है कर देंगे। बट यहाँ देखो क्या क्या रखना है, फीमेल का एज क्या बोला है, 61 बोला है, तो अपने आप सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। खाली बस इसको ड्रैग करना, याद रखना ये हो जाएगा हमारा 62, एंड इसको अपने नीचे तक ड्रैग कर देंगे, एंड इनफैक्ट ये 100 तक ड्रैग होगा, इसको करेंगे। मेल का एज क्या बोला है, 56 बोला है,
57, तो इसको भी अपने नीचे तक पूरा ड्रैग कर देंगे. डिस्काउंटिंग फैक्टर समथिंग दैट वी नो डू नॉट नीड, सो आई जस्ट रिमूव दैट. अब इसके बाद हम लोग को क्या है, हम लोग को कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है ना. सो व्हाट आई विल डू इज इन तीनों को मैं सिलेक्ट करके 99, 100, ठीक है, अपने आप ये जीरो आ गया. अब इसके बाद देखो कैसे करना है, पीवी ऑफ एनुइटी समथिंग दैट वी डोंट नीड, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, तो ये रेफर और ऐसे नहीं आएगा. अब हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुन लो, प्रोबेबिलिटी मेल क्या बोलेंगे, मेल अलाइव गिवन फीमेल डाइज इन योर एन, ठीक है. तो इसका क्या मीनिंग हो गया, डो तो इसमें देखो, अब इसमें एक बार देखो थोड़ा चेंजेस, आई थिंक एजेस ये सब तो सही सही आया होगा ना. हाँ, तो अब देखो इसमें क्या करना है, मेल को अलाइव रखना है, मतलब आप लोगे मेल का ये वाला, हाँ, इनटू फीमेल को मारना है इन दैट योर, वेरी गुड, 1 माइनस, क्योंकि फीमेल उस साल मरी, तभी तो पता चला ना कि मेल अभी तक जिंदा है और फीमेल उसी साल मरी है. अब ये जो हम लोग निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, इसको मैं नीचे, इसको जरूरत नहीं है, इस कॉलम को हटा देंगे. रुको एक सेकेंड, एंड फिर एक सेकेंड रुको, एंड फिर इसका ना एक बार मैं सम ले लूंगी इधर, तो वो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी. तुमने हर साल का इंडिविजुअली निकाला है, इस साल का तुमने इंडिविजुअली निकाला है कि इस साल मेल जिंदा था फीमेल मर गई, इस साल मेल जिंदा था फीमेल मर गई. तुम लोग थ्योरी में सबका साथ में निकालते हो, इसीलिए तुम लोग ए ड्यू वो सब यूज करते हो. हाँ करेक्ट, वो भी करना पड़ेगा, वो भी हम लोग का अकाउंट. तो इसमें क्या लेंगे बताओ, सेकेंड टर्म में किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये करना पड़ेगा, वेरी गुड, क्योंकि इसमें हम लोग को ये लेना है कि अगर सेकेंड ईयर में मर रही है तो फर्स्ट ईयर में जिंदा थी, सेकेंड ईयर में मरी, एंड मेल तो जिंदा है, वेरी गुड. तो इसको अपने ड्रैग कर देंगे नीचे, दिस इज डिफरेंट, इसको अपने सॉरी इसको अपने, इसको ग्रीन से कर दो एंड इसको येलो से कर दो, ठीक है. इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू परसेंटेज यू कैन डू दैट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, जैसे भी रखना है. बट अगेन आई डोंट नो व्हाई माय आंसर इज नॉट मैचिंग, आई थिंक लास्ट वैल्यूज में कुछ इश्यू है, इसको ड्रैग नहीं किया है. एक सेकेंड रुको, अब सही है. क्लियर है, अब ये तो हो जाना चाहिए 2 मिनट में, सो करो. देख लिया मेरा पैटर्न मैंने कैसे कैसे किया कॉपी करके, अब तुम लोग अलग से बनाते हो तो बहुत टाइम लगता, जल्दी करो फिर इसका थर्ड पार्ट करेंगे. एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन इजी होगा ना उसको फटाफट करना है. एक बार हो जाएगा तो सब लोग यस लिखोगे चैट बॉक्स में. लास्ट के वैल्यूज देख लो, लास्ट के वैल्यूज
51.6, 51.5% ऐसा कुछ। ठीक है, फिफ्टी वन पॉइंट कुछ है, 51.56, 56 कुछ क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया है ही, क्या हुआ? पक्का किस झूठ बोल रहे हैं? क्या पता, तुम लोग आजकल आजकल तुम लोग के जेनरेशन के लोगों का मेरे पे भरोसा, एकदम भरोसा नहीं मेरे को। हाँ तुम लोग मॉक में चीटिंग कर रहे हैं भाई। हाँ सर को बोलना जाके, सबमिट की थी अच्छे से, सबको मिल गया है मॉक चेक होके, तुम चीटिंग की होगी मॉक में। भाई मॉक में लोग चीटिंग किया है, गलत आंसर भी मैच हो रहा है लोगों का, और सेम एग्जैक्ट गलत आंसर। कीर्ति तो की है, हम लोग को मिला एक दो आंसर्स में इसका चीटिंग, पता नहीं। चलो नेक्स्ट। कैलकुलेट मैम, आंसर दिखाओ ना एक बार, देखो ना एक बार, देखो एक बार, देख लो। लो देख लिया एक बार। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब तुम लोग एकदम बात नहीं करेगा, सुनेगा। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रेजी वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ 30 ईयर लास्ट सर्वाइवर टर्म। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको मार्क कर लेना, रिवीजन के टाइम तुम लोग पूछो ना मैम क्या करना चाहिए, सब डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क कर लो। पूरा पूरा तो पेपर करोगे नहीं, दिस इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्वाइंट लाइफ का। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ 30 ईयर लास्ट सर्वाइवर अश्योरेंस ऑफ 1 लाख पेबल इमीडिएटली ऑन डेथ।
मतलब मिडल ऑफ द ईयर वाला अजम्पशन. फॉर अ मेल करंटली एज 27, फीमेल एज करंटली 25, इसमें क्या लास्ट सर्वाइवर में क्या करते हैं? सिंगल प्लस सिंगल माइनस ज्वाइंट, यही हम लोग इसमें करेंगे. सिंगल प्लस सिंगल माइनस ज्वाइंट, ठीक है. अब एकदम देखोगे पहले फिर करना स्टार्ट करोगे. सबसे पहले शुड वी मेक अ कॉपी ऑफ द शीट, इस शीट को कॉपी कर लेंगे. बट मोर्टैलिटी में क्या चेंज होगा यहाँ? नहीं, क्यों, तो इजी है ना कॉपी करना, अभी तो इजी इजीली हुआ ना, तो तुम मत करो. मेरे को जो इजी लगेगा मैं नहीं. दिख रहा है ना तुम लोग को? दिख रहा है? फिर वो बहुत अजीब हो जाते हैं कॉलम जैसे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विद द स्क्रीन नाउ? अच्छा ठीक है, बड़ा कर दिया. ठीक है, एक बार रुको ना. हाँ, बड़ा और नहीं कर सकते, फिर दिखेगा ही नहीं. अरे हाँ, तो देखो मोर्टैलिटी ऑफ इन लोगों को जॉइंट लाइफ कुछ नहीं आता है. अभी तुम लोग का क्लियर हो जाएगा इधर कि तुम लोग का आता है कि नहीं. कुछ बोलो कैसे निकालेंगे? वो वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला सब चीज सेम हो जाएगा. फिर यहाँ तुम लोग एज चेंज कर दोगे तो ये पूरा टेबल तुम लोग का रेडी हो जाएगा, ठीक है. अब ये टेबल में जो लेना है लेना, नहीं लेना है नहीं लेंगे, वो अलग चीज हो गया. उसके बाद सिंगल का अलग निकालो कि मेल मरेगा उसका एन्युटी. ये क्या होगा? टेम्पररी अश्योरेंस हुआ ना, टेम्पररी अश्योरेंस हुआ क्योंकि 30 ईयर्स का बोला है. तो मेल का अलग निकालो, फीमेल का अलग निकालो, ज्वाइंट लाइफ का अलग निकालो. ज्वाइंट लाइफ का क्या मतलब है? दोनों मर गए है ना, दोनों मर गए या कोई एक मरा? ज्वाइंट लाइफ का मतलब क्या होता है? एक तो मैंने और क्या बोला हिंदी में, हिंदी भी अच्छा नहीं तुम लोग का. दोनों मर गया या कोई भी एक मरा है ना, यही हुआ ना. तो ये हो जाएगा ज्वाइंट लाइफ, ठीक है. तो सिंगल प्लस सिंगल माइनस ज्वाइन करने से लास्ट सर्वाइवर आ जाएगा. अब देखो पहले, फिर यहाँ एज बोलो फीमेल का क्विकली. पहले रुको, पहले रुको, पहले मेरे को इसका कॉपी तो करने दो शीट का. इसको शीट को कॉपी करते हैं. फीमेल का एज क्या बोली? फीमेल का एज 25, मेल का एज. अब एक चीज ध्यान रखना है कि खाली 30 इयर्स तक है, तो उसके बाद का पूरा ये हट जाएगा. उसके बाद का पूरा ये, अरे तुम लोग देख नहीं रहे, फिर तुम लोग पूछेगा मैम वो कॉलम दिखाइए ये कॉलम दिखाइए. ये मैं एक बार पूरा ही हटा देती हूँ. डिस्काउंटिंग फैक्टर यही निकाल लेते हैं. एक दो चेंजेस और करना पड़ेगा ऑल्दो हमें. यहां पे क्यू एक्स में हम लोग कौन सा प्रोबेबिलिटी लेंगे बेस वर्कशीट का? बेस वर्कशीट का मेल. एंड क्यू वाई हो जाएगा आई. बेस वर्कशीट का फीमेल विच इज 90%. तो ये दोनों हो गया, इसको ड्रैग करना मत भूलना, ठीक है. अब एक बार देखो, अच्छा मैंने एब्सोल्यूट नहीं किया ना इसीलिए. अब एक बार देखो, डिस्काउंटिंग फैक्टर मिडल ऑफ द ईयर है, सो 1 + 5.5, इसको एब्सोल्यूट किया 2 power, एक सेकेंड तुम क्या बोल रहे हैं सुनेंगे पहले.
-0.5 बोल, क्या बोल रहा है, किया तो चेंज एज को। हाँ अच्छा, हाँ ड्रैग नहीं वॉव है, सही बोला। तो ये सब छोटा मोटा चीज ध्यान रखना है अगर तुम लोग कॉपी पेस्ट करते हो तो। हाँ आई थिंक कॉलम वाइज तो जाना ही पड़ता है ना। ये हो गया सारा, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी अपना बन गया है। अब इसके बाद एक बार देख लो। जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले मेल का निकालते हैं, फिर फीमेल का निकालते हैं, एंड फिर जॉइंट निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मेल डाइज इन योर एन। कैसे होगा प्रोबेबिलिटी मेल डाइज इन योर एन? सिंपली वन माइनस पी एक्स विच इज दिस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मेल डाइज इन योर। और नेक्स्ट वाला क्या होगा, क्या बोल रहे हो, जिंदा रहने का इनटू, ठीक है, ये हो गया, इसको ड्रैग कर दो अब नीचे तक। ये हो गया उस साल में उन लोग का मरने का। उसके तुमको जैसा मन है, ठीक है। उसके बाद फीमेल डाइज इन योर एन हो जाएगा वन माइनस पी वाई, एंड नेक्स्ट वाला इज एन पी वाई इंटू वन माइनस उस साल में मरने का, ठीक है, इसको ड्रैग कर दो। एक बार देख लो, फिर तुम लोग पूछोगे बार बार मैम उस कर्सर पे लेके जाइए, उसको उस सेल पे लेके जाइए। ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे पीवी ऑफ मेल पेमेंट ऑफ एन्युटी, नहीं है अश्योरेंस है, ठीक है, या फिर पेमेंट ऑफ अश्योरेंस है, पेमेंट ऑफ जो भी लिख दो, पेमेंट एट टाइम एन। तो क्या होगा बोलो, कितना अमाउंट है पहले तो ये बोलो, अश्योरेंस का क्या अमाउंट है, इधर लिख लेते हैं क्या अमाउंट है। तो ये तो डिस्काउंटिंग फैक्टर में ले लिया ना हमने 0.5 वाला चीज, इसको एब्सोल्यूट करना है, दिस इनटू इनटू मेल का मरने का उसी गिवन साल पे, ठीक है। इसको इफ यू वांट कैन चेंज इन पाउंड्स, इसको अपने कर देंगे ड्रैग। अब अगर अपने निकाले मेल अश्योरेंस, तो मेल अश्योरेंस हो जाएगा सम ऑफ दिस एंटायर थिंग, ठीक है, सिमिलरली पीवी, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, पीवी ऑफ फीमेल पेमेंट हो जाएगा क्या होगा, 1 लाख का एब्सोल्यूट इनटू मेल फीमेल का मरने का इनटू उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर। सम ऑफ दिस पूरा थिंग, ठीक है, ये हो गया फीमेल अश्योरेंस। अब जॉइंट लाइफ
अश्योरेंस निकालना है एंड हम लोग को क्या चाहिए, लास्ट सर्वाइवर जॉइंट लाइफ निकाल अश्योरेंस निकालना है। तो जॉइंट लाइफ के लिए क्या करना होगा, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे जॉइंट लाइफ के लिए? दो प्रोबेबिलिटी कौन सा, कैसे? बेसिकली क्या है, या तो फीमेल डाइज या तो मेल डाइज या दोनों डाइज, विच इज एक्चुअली व्हाट, 1 माइनस कोई नहीं मरा, 1 माइनस कोई नहीं मरा, यस और नो, है ना? तो हम लोग खाली लिख सकते हैं, हम लोग को बेसिकली एनुअल जॉइंट लाइफ में क्या चाहिए, फर्स्ट डेथ चाहिए। फर्स्ट एक बार देख लो, फर्स्ट डेथ कैसे निकलता है, 1 माइनस PY माइनस PX, यस और नो? क्या क्या बताने ये वाला, तुमको क्या नहीं समझ में आया, नेगेटिव कहाँ आएगा, क्यों आया नेगेटिव बोलो तो? अच्छा, माइनस माइनस दो बार नहीं किया ना मैंने, हाँ सॉरी, इनटू होगा ना, PX इनटू PY का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी दोनों जिंदा है, 1 माइनस PX इंटू PY का क्या मतलब है, 1 माइनस PX इंटू PY का क्या मतलब है, गलत, PX इंटू PY का क्या मतलब है, दोनों जिंदा है, तो 1 माइनस PY इंटू PX का क्या मतलब है, कि दोनों मर गए या दोनों में से कोई एक मर गए, या तो मेल मर गया या फीमेल मर गई या दोनों मर गए, ये तीनों कंडीशंस आ गए ना इसमें। अब नेक्स्ट ईयर का क्या होगा बताना, नेक्स्ट ईयर में आपको वो भी कंसिडर करना है ना, कि दोनों जिंदा है, तो इस वाले में क्या होगा, एक बार ध्यान से देखो इसको एक बार के लिए ना, व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रैग एंड देन इसको ना ब्रैकेट में डाल के इसमें अपने दो और प्रोबेबिलिटीज कंसिडर करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाइड बाय ये वाला, पहला साल मेल जिंदा है, पहला साल फीमेल भी जिंदा है, दोनों जिंदा है, और नेक्स्ट ईयर में जॉइंट लाइफ स्टार्ट हो रहा है। जॉइंट लाइफ स्टार्ट होने का क्या मतलब, जॉइंट लाइफ होने का क्या मतलब है, कोई भी एक मर गया, विच इज 1 माइनस PX इनटू PY, क्लियर? अब इसको ड्रैग कर दो, अब इसका पीवी निकाल लेंगे अपने, इज 1 लाख, इसका सम और लास्ट सर्वाइवर हो जाएगा मेल प्लस फीमेल माइनस जॉइंट, 47.1। कर लो इसको, खुद से ट्राई करो अब करने का,
हो गया तुम लोग का आज क्या आंसर्स?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो. अ पीस ऑफ लैंड इज अवेलेबल फॉर सेल फॉर 10,000. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बिलीव दैट इट कैन इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग सोलर पैनल ऑन द लैंड. द टोटल कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट इज 85,000. द कॉस्ट विल बी पेड मंथली इन एडवांस, मंथली इन एडवांस इन सिक्स equal installments. The first payment will be made at the start at the same time as the land is purchased. Electricity production will start 6 months after the land has been purchased. It is estimated that the development cost is will produce 80,000 units of electricity per year with production assumed to be uniform across each year. Matlab 80,000 pure saal uniformly produce hoga. Green fir bhi nahi kar payega tum log. अब भी तुम लोग नहीं कर पाओगे फिर भी खुद से. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड उसके बाद भी तुम लोग का यही हालत है. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विल सेल द प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी टू द नेशनल पावर सप्लायर एट द रेट ऑफ 0.12 पर यूनिट. द पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड विल बी रिसीव्ड, मैंने हम लोग को क्वार्टरली वर्क करना है तो 80,000 थ्रू आउट द ईयर है तो ईच क्वार्टर कितना यूनिट है. 80,000 डिवाइडेड बाय 4, 20,000 यूनिट से इनटू उसका हम लोग को पर यूनिट का दिया हुआ है तो आपका सेल्स आ जाएगा. द लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल फॉल एज द सोलर पैनल्स विल स्टार्ट टू डिग्रेड. इट इज एस्टिमेटेड दैट द लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड विल फॉल बाय पर एनम इज अज्यूम टू फॉल एनुअली विद द फर्स्ट डिक्रीज ऑफ दिस अकरिंग 6 months आफ्टर द प्रोडक्शन बिगिंस. मतलब क्या होगा, दो क्वार्टर निकल जाएगा उसके बाद, ऐसे बोल सकते हो जो भी है, बट 6 मंथ के बाद होगा स्टार्ट एंड फिर पर एनम डिक्रीज होगा क्योंकि अज्यूम टू फॉल एनुअली बोला है. समझ रहे हो? हाँ सही बोल रही है वो. फर्स्ट ईयर के एंड पे होगा एंड एवरी डिक्रीज विल बी हैपनिंग एवरी ईयर के एंड पे. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विल स्टार्ट मंथली मेंटेनेंस वर्क After 6 months of electricity production, मतलब कि पहला साल के बाद, the maintenance cost will be expected to be 1,000 per annum incurred monthly in arrear. Annual maintenance cost will increase by 3% with the first increase taking place 1 year after the, मतलब second year के start में आपका maintenance cost increase होगा. RDR आपको दिया हुआ है. So it was not very difficult. बट एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, क्योंकि आप एग्जाम प्रेशर में हो तो ये इतना सारा आपका इंफॉर्मेशन देख के आप डर जाते हो. बट एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत इजी है. इट्स नॉट, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी ऑन प्रोजेक्ट अप्रेजल. दिस इज एन इजी क्वेश्चन. कंस्ट्रक्ट एन एनुअल कैश फ्लो शेड्यूल इंक्लूडिंग ऑल इनकम एंड आउटगो फॉर द फर्स्ट 30 years ऑफ द प्रोजेक्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हम लोग को फर्स्ट शीट में ऑलरेडी दे हैव मेड अ फ्यू थिंग्स. ऊपर में इन्होंने जगह छोड़ा है फॉर द बेसिस जो भी है वो लिखने के लिए. तो पहले एक बार अपने खाली आई लिख लेते हैं. आई कितना है, 6.5. एक बार देख लो फिर तुम लोग करना. परचेज कॉस्ट क्या होगा, परचेज कॉस्ट हम लोग को क्या निकालने बोला है, एनुअल कैश फ्लोज बोला है तो एनुअली वर्क करना है. और दूसरा बोला है इसके बाद वाला, देखो ना पार्ट 1 और 2 साथ में करना है तो रीड कर लेंगे. एक सेकेंड, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आफ्टर 30 years बोला है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. द प्रोजेक्ट इन विच ईयर इट बिकम्स पॉजिटिव, सो बेसिकली एक तरीके से डीपीपी निकालना है कि कौन से साल में आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है. हाँ तुम बोल, क्या बोल रहे हैं, तुम क्या बोल रही हो? हाँ बट करने एनुअली बोला तो एनुअली ही करना है. अब तुम लोग अगर इसको चेंज करोगे तो मार्क्स थोड़ी मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन में इसको हाईलाइट कर दिया पूरा. जैसे एक क्वेश्चन में हाफ ईयरली था बट उसमें शायद मंथली या क्वार्टरली कैश फ्लो थे बट वर्क हमने हाफ ईयरली किया था, ऐसा कुछ
पास्ट पेपर का क्वेश्चन था। तो परचेज कॉस्ट कितना बोल रहा है, बट इसको हम लोग साल के एंड में लेके जाएंगे, क्योंकि आप अक्यूमुलेट कर रहे हो ना, ईयरली कैश फ्लोज निकालना है, तो आप सब कुछ साल के एंड पे लेके जाओगे। सो इनटू 1 प्लस आपका ये आई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। पाउंड्स में वर्क करें क्या? इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या बोला है? आप लोग लिख सकते हो क्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे ऊपर में। 80 कैसे? नहीं, बट 85,000 कैसे पे हो रहा है वो बोलो। तो इसको कैसे निकालेंगे? पूरे साल के लिए। मंथली इन एडवांस की अरेयर फॉर द 6, मतलब पहला 6 महीना के लिए पे हो रहा है मंथली इन एडवांस, मतलब ए कैसे मंथली करोगे बताओ? तो ए 0.512 निकाल लो ना। 0.512 का क्या मतलब? A 112 का क्या मतलब है? A due 112 का क्या मतलब है? एक साल मंथली इन एडवांस। A due 0.512 का क्या मतलब है? आधा साल मंथली इन एडवांस, आधा साल मंथली इन एडवांस। तो एक सेकेंड रुक जाओ, तुम लोग का भी सुनेंगे, ठीक है, तुम लोग का सुनने का टाइम आएगा। तो मंथली A due 0.512 निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस V टू द पावर 0.5 डिवाइडेड बाय एक पड़ेगा D12। तो D12 निकालना है। D12, D12 का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? D12 का फॉर्मूला क्या होता है? सोच के बोलना, गलत बोली अगर। 1 प्लस I वन बाई ट्वेल्व, सही बोल रही है क्या ये? तुम लोग को खुद को ही नहीं आता होगा, तुम लोग इसको क्या बोलोगे सही गलत? ठीक है, अब अक्यूमुलेटिंग फैक्टर निकाल लो बेसिकली। हाँ, अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर हाफ योर, विच बेसिकली मीन्स इसका फॉर्मूला 1 माइनस 1 प्लस V निकाल लेना चाहिए, पर चलो कोई नहीं। 2 द पावर -0.5 डिवाइडेड बाय, मैच करो तो आंसर। कुछ कलर लग रहा है कड़ा। अच्छा, अक्यूमुलेशन मैंने S DU निकालना है, नॉट A DU, S DU निकालना है। रुक जाओ रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ सम। सही बोल रही है वो, ये हम लोग निकाल रहे हैं S DU, S DU 0.512, समझा? ठीक है, अब रुक जाओ, तुम लोग पहले देख लो कैसे करना है, तुम लोग एक एक करके बच्चों लोग ऐसे मत करो। अब इसमें बताओ, जब हम लोग यहां निकालेंगे कितना है? 80,000 है, 85,000 है, इनटू S DU 0.512 किया, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? तुम लोग क्या कर दिया? 85,000 एनुअल फिगर है, 85,000 एनुअल फिगर है,
इनटू अपने कर दिए एस ट्यू 0, ये 6 मंथ के एंड पे आ गया। अब इसको और 6 मंथ अक्यूमुलेट कराना है, बट इसमें एक चीज और आएगा, तुम लोग सोचो एक बार। 1 + i^0.5, इसमें एक चीज और आएगा, कौन बताएगा? वो सही बोल रही है, बट एक चीज और आएगा पेमेंट। ये जो फिगर है ये कौन सा है? ये 6 महीना का फिगर है। वेरी गुड, इंटू टू होगा। कौन बताएगा इंटू टू क्यों हो रहा है? ये आप लोग का क्या फिगर है 6 महीना का? और ये जो एस टी यू 0.512 ले रहे हो, ये कौन सा फिगर है? एनुअल, तभी तो यहाँ 0.5 कर रहे हो ना, ये एनुअल है। तो एनुअल एनुइटी लोगे तो उसके आगे एनुअल वैल्यू जोड़ोगे ना, जैसे आप लोग जब लोन शेड्यूल करते हो तो आप लोग 12x इंटू ए वाला चीज करते हो, वेर एक्स इज मंथली। सो 85,000 इज हाफ ईयरली, तो उसका ईयरली निकालेंगे तब जाके ना तुम लोग एनुअल एनुइटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। एस डी यू 0.512 इज ईयरली एनुइटी फिगर, उसके साथ यू नीड एनुअल अमाउंट 85,000 इंटू टू, दिस इज योर आंसर। तुम बोलो। ठीक है, अब नेक्स्ट खुद से करो ट्राई, देखो होता है कि नहीं। हाँ, तुम्हारा माना पेमेंट 85,000 ही जाएगा। तुम एनुअली एनुइटी तुम 0.5 ले ले रहे हो ना उधर, इसीलिए जब तुम एनुअल एनुइटी लोगी तो एनुअल फिगर आगे डालोगी ना। जैसे तुम लोग 12x इंटू करते हो, जब तुम लोग ADU 1/12 करते हो, अगर ADU 12 करते, वर्किंग इन I/12/12, तो खाली एक्स लेते हैं। जब मंथली एनुटी लेते हो तो मंथली अमाउंट लेते हो, क्वार्टरली एनुटी लेते हो तो क्वार्टरली अमाउंट लेते हो, एनुअल एनुटी लेते हो तो एनुअल अमाउंट हो गया। सिक्स मंथ्स का करूं फिर 85,000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू ए, ए सिक्स नहीं करना होगा तुमको, फिर ADU 6 एट द रेट I/12/12 निकालोगी, फिर वो 85,000 इनटू डिवाइड बाय 12 हो गया। पर ये जो तुम्हारा सिक्स क्या मंथ्स की क्या, A6, ADU 6, हाँ STU 6 बोलो, STU 6 बोलो, फिर और आगे 6 मंथ्स अक्यूमुलेट, 85,000 डिवाइड बाय 12 लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेंटेनेंस कॉस्ट कितना बोला है? मेंटेनेंस कॉस्ट कब से स्टार्ट हो रहा है? सेकेंड ईयर से। तो पहला साल जीरो, पहला साल जीरो। ऐ तुम लोग सुन लो पहले, सेकेंड ईयर में क्या होगा? मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे मिल रहा है? मेंटेनेंस कॉस्ट मिल रहा है 1,000 इनकर्ड मंथली,
आफ्टर 6 months ऑफ वॉट? कीर्ति पढ़ो क्वेश्चन, ऐसे मत करो. 1,000 इनकर्ड मंथली इन अरियर, ठीक है. एनुअल मेंटेनेंस विल इंक्रीज बाय 3% विद द फर्स्ट इंक्रीज टेकिंग प्लेस आफ्टर 1 ईयर, मतलब ईयर 3 के स्टार्ट पे 3% का इंक्रीज होगा. बट तब तक आपका 1,000 पर एनम है, मंथली इन अरियर है, तो यहां कौन सा फिगर ले लेते हैं बताओ. ए सॉरी एस ड्यू, सॉरी ड्यू लेने का जरूरत नहीं है. S12, S12, या फिर अगर एनुअल फिगर्स लेके करोगे तो S112. तो S112 के लिए आपको क्या चाहिए? I12. I12 इज, एक बार मैं क्या करती हूँ, इसको एब्सोल्यूट कर देती हूँ, ड्रैगिंग इट डाउन. जो जो चेंजेस होंगे बोलना. ये नहीं होगा, 1 + i होल टू द पावर 1/12 -1 × 12 ये हो जाएगा. एंड अक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना है वापस से, बट नॉट हाफ ईयरली, इंस्टेड फॉर 1 ईयर, विच इज 1 + i होल टू द पावर 1 - 1 / i12, ठीक है. तो अब एक बार देख लो सेकेंड ईयर में कैसे करेंगे, सेकेंड मंथ, सेकेंड ईयर से. हाँ, सेकेंड ईयर से कैसे करना है. इंक्रीज कितने का, और एक बार फिर से बोलना. यहाँ पे वह मैं 3% लिख रही हूँ. ये अपने ना इधर एक काम करेंगे, इनपुट्स ले लेंगे. अमाउंट इज 1,000 ना, 1,000 × ये हो गया अक्यूमुलेटिंग फैक्टर, ये मंथली फिगर निकाला है क्या, अक्यूमुलेटिंग, ठीक है. अब इसके बाद इनटू जो आपका इंक्रीज है वन, ये ऑलरेडी आपका S112 आ चुका है, पहले साल के एंड तक अक्यूमुलेट हो चुका है वो. अब आपको वो कंसिडर करना है कि एवरी नेक्स्ट ईयर आपका वो 3% 3% का इंक्रीज है. तो मैं कैसे कर रही हूँ, 1 + 3% मेकिंग इट एब्सोल्यूट, टू दी पावर -2 होगा. तो पहला साल 0 इंक्रीज, दूसरा साल 1 का इंक्रीज, तीसरा साल 2 का इंक्रीज एंड सो ऑन. 1,000 × 1.03, 1,000 × 1.03 का स्क्वायर एंड सो ऑन. और आपका S112 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. ये हो गया आपका मेंटेनेंस कॉस्ट. यूनिट्स जनरेटेड कितना बोल रहा है, एक बार देख लो फिर नेक्स्ट करना खुद से. यूनिट्स जनरेटेड कितना बोल रहा है, पहला साल बोल रहा है 80,000 पर ईयर है, पहला साल खाली 6 महीना यूनिट जनरेशन हो रहा है, तो 40,000 लेंगे, ठीक है. तो ये इसको कुछ अक्यूमुलेट ये सब तो कराना नहीं है, तो इसको मैं, पहला साल हो गया आपका सिंपली 40,000. नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इट इज इंक्रीजिंग की फॉलिंग. इट इज एस्टिमेटेड दैट द लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड विल फॉल बाय 0.5%. फर्स्ट डिक्रीज विल हैपन आफ्टर 6 months ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सेकेंड ईयर का फर्स्ट में, सेकेंड ईयर का स्टार्ट में ही डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा 0.5% से. तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा, अगर हम ले ले 80,000 एज द अमाउंट, कितना का डिक्रीज है, 0.5% का. तो नेक्स्ट ईयर आपका 80,000
इनटू 1 माइनस 0.5% है। तुम लोग देख नहीं रहे, फिर तुम लोग बोलेगा कि समझ नहीं आया। तुम लोग इतने स्टूपिड हो कि तुम लोग देखते नहीं हो, फिर तुम लोग का टाइम वेस्ट होता है। पहले यहां ध्यान दो सब लोग, फालतू का डांट खाते हो। दिस इंटू क्या होगा बोलो, बस यही होगा। इसको कॉन्स्टेंट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और इसको ड्रैग। ये हो गया आपका नंबर ऑफ यूनिट्स। प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस कॉन्स्टेंट है 0.12 कि चेंज हो रहा है? 0.12 इज कॉन्स्टेंट। इनकम क्या हो जाएगा? इनकम अगर मैं बोलू अगेन अक्यूमुलेटेड एट द ईयर एंड निकालना है, तो इन दोनों को खाली मल्टीप्लाई तो करना है, और क्या करना है? हम लोग क्वार्टरली वर्क कर रहे थे। देखो, पेमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड विल बी रिसीव्ड क्वार्टरली इन अरियर, मतलब पहला क्वार्टर का एंड में। 80,000 यूनिट पूरा साल है, डिवाइडेड बाय 4। ये वाला जो आपका अमाउंट है, या ये यूनिट्स है, ये आपका पूरा साल है। खाली फर्स्ट ईयर का थोड़ा अजीब होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का अपना 6 मंथ्स था, है ना? तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिएगा? एस कौन सा फिगर निकालना पड़ेगा बताओ? एस, सही बोल रही हूँ? S4 क्यों बोल रही हूँ? S14। हाँ, और खाली पहला साल के लिए S.54। समझ रहे कि नहीं तुम? अब ये नहीं समझ में आया, ये कंटेंजेंसीज में नहीं है। आईफोन निकालेंगे, स्मार्टली वर्क करना। दोबारा से प्लीज मत लिखना, इसको नीचे ड्रैग करो, 12 को 4 करो। स्टूपिड लोग के जैसे नहीं काम करना है, ठीक है? डांट सुनोगे मेरे क्लास में, हरकत ही वैसा तुम लोगों का। अरे ठीक है, 1 प्लस i होल टू द पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय i4, ये हो गया। और दूसरा वाला कितना है? ठीक है, तो पहला साल का इनकम क्या होगा? दिस 40, एक बार बोलो, 40,000 इंटू दिस इंटू आपका ये वाला इंटू इंटू क्या? 40,000 इज आधा साल का, इंटू 2, सेम जो हम लोग 40,000। कौन सा फिगर है? एनुअल की हाफ ईयरली? हाफ ईयरली है। और ये S.54 कौन सा फिगर हुआ? एनुअल, तो एनुअल अमाउंट चाहिएगा, इंटू 2। नेक्स्ट वाला से इंटू 2 का जरूरत नहीं है। दिस इंटू दिस इंटू बस ये वाला, इसको एब्सोल्यूट कर दो एंड ड्रैग, ठीक है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस यूनिट माइनस माइ प्लस प्राइस, ये सब मत कर देना। ठीक है, बट ये जो अपना है, दिस इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द एंड ऑफ योर 1। एट द एंड ऑफ योर 2 में काम करो इस पूरे के साथ, अपने पहले वाले योर का भी अपने ले लेते हैं। सो बेसिकली प्लस ऊपर वाला साल, इंटू 1 प्लस
ठीक है, अब एक पॉइंट पे जाके ये पॉजिटिव होगा, विच इज दिस, तो वो डीपीपी साथ में ही अपने निकाल लेंगे. कुछ गलत होगा. इसके बगल में मैं एक वो निकाल रही हूं डीपीपी वाला. क्या हो जाएगा इफ एंड दिस ग्रेटर देन 0 एंड उसके ऊपर वाला इज लेस देन 0, तो आपको चाहिए ब्लैंक. तो आपका 25th ईयर में दिखा रहे, ये तुम लोगों का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो लिखोगे ना, इसको ऐसे करके लिख देना, हाईलाइट कर देना. हाँ बोलो, कौन सा इंटू टू नहीं की हो, ये कुछ गलत की हो. थर्ड पार्ट खुद से करूँ? हाँ. मैच नहीं हो रहा है. जब डीपीपी निकालना होता है, ये रनिंग एनपीवी नहीं है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू है. ये रनिंग अक्यूमुले, जब डीपीपी निकालना होता है, डीपीपी में इजी होता है ना. क्वेश्चन में बोला है. लोग का सोल्यूशन ना बहुत गंदा सा है. ठीक है, हम लोग कर लिए अच्छे से. ठीक है, आया आंसर्स? मैम एक बार प्रॉफिट का लास्ट सेल दिखा दूँ. यस मैम. इसमें उसको करना होगा. एक सेकेंड रुको.
ये चल रहा ना तेरा वाला तुम ये चीज से आपको बोला नहीं तो तुम लोग सुनता नहीं है, अब तुम लोग आपस में डिस्कशन करके मैं टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं सॉरी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग पहले देखा क्यों नहीं व्हेन आई वाज डूइंग? तुम लोग में से कोई नहीं देखा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे मैनेज करते हैं अकेले बैठ के? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड? प्लीज क्विकली राइट अ यस। वेरी गुड। The local government has decided to offer an incentive to new generators of renewable electricity. This incentive will be paid at a rate of 10 per unit of electricity produced in the first 5 years of the electricity and will be payable at the end of every 6 months. मतलब कि price जो पहले 0.12 था, अभी इसको इन्होंने कर दिया है 0.10. पहला 5 साल के लिए एंड विल बी पेबल एट द एंड ऑफ द एवरी 6 मंथ पीरियड। सो इंस्टेड ऑफ क्वार्टरली 6 मंथ हम लोग का ये चेंज हो गया। नहीं बट इसमें गवर्नमेंट हम लोग को दे रहा है, हम लोग गवर्नमेंट को नहीं दे रहे। द इंसेंटिव विल बी पेड, गवर्नमेंट हम लोग को इंसेंटिव दे रहा है पहला 5 साल के लिए खाली, जहां पे वो कितना देगा हम लोग को 0.1 ऑफ द प्रोड्यूस्ड एंड 6 मंथ के एंड पे देगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। डिटरमाइन रिवाइज्ड एनुअल कैश फ्लो हाउ योर आंसर इन पार्ट 2B, मतलब ये डीपीपी विल चेंज वंस द इंसेंटिव इज, ऑब्वियसली डीपीपी ऊपर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी शीट का कॉपी करेंगे, बस यहाँ इनकम के बदले एक और सब्सिडी आ जाएगा। हम लोग को एक तरीके से सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट। सो ऑल टीएम, फिर तुम लोग देखेगा नहीं, फिर तुम लोग अजीब से करेगा एकदम, पता नहीं बहुत वियर्ड टाइप के लोग हो तुम लोग। मतलब आई हैव नो वर्ड्स, मतलब ये कि नहीं सुन ले। बच्चे लोग जैसे नहीं होते थे बचपन में, ऐसे मैम ए लिख रही है तो तुम लोग भी ए लिख रहे हो, मैम बी लिख रही है तो तुम लोग भी बी लिख रहे हो, वैसे हो तुम लोग। अब यहाँ पे बताओ एक्स्ट्रा हम लोग को क्या चाहिए? इधर मैं इनकम के पहले या जो भी इधर पे लगा देती हूँ सब्सिडी। अब सब्सिडी कैसे मिल रहा है? 6 मंथली, तो उसके लिए क्या चाहिएगा? नया ए सॉरी एस 12 ड्यू एट द एंड, एस पहला साल के लिए तो S12 0.5 होगा, उसके बाद S112 चाहिए फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। तो यहाँ पे ना एक में और कॉलम इंसर्ट, रो इंसर्ट करके क्या निकालेंगे? आई अच्छा 12 क्यों बोला तुम लोग? मंथली थोड़ी है, हाफ ईयरली है, तो S2 होगा S.5 हाफ ईयरली वर्क करना है ना। अगर चलो नेक्स्ट ईयर का करना है तो S12 करोगे ना, S12 करोगे ना, I2 निकालोगे ना, जैसे क्वार्टरली में 4 लिया, इधर 2 लोगे
तो अगेन कॉपी पेस्ट, इसमें खाली आई 1/2 एंड इनटू 2, इतना एक बार तुम लोग देखता क्यों नहीं है? जो चीज शॉर्टकट में हो सकते है उसमें तुम लोग टाइम वेस्ट करता है, एक बार देख लो ना मेरा मेथड, वरना तो तुम लोग घर पे भी पास्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो आंसर्स खोल खोल के. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग इट इन क्लास? शॉर्टकट्स पता चले ताकि टाइम सेव हो. उस दिन हम लोग कितने देरी में क्लास खत्म किए थे? वी स्टार्टेड एट 10:15, 12 o'clock के पहले खत्म हो गया था. आज देख लो कितना बज रहा है. थोड़ा ध्यान से, थोड़ा स्मार्टली काम करो. इन दोनों को आई विल ड्रैग डाउन. ठीक है, क्या क्या चेंजेस होंगे? ये वाला आपका ये हो जाएगा 1 + i होल टू द पावर 1 - 1/i 2. सिमिलरली इधर पे 1 + i होल टू द पावर 0.5 - 1/2 ईयरली अक्यूमुलेशन है. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, एंड 0.5 ही आना चाहिए एक्चुअली अगर आप लोग करोगे तो. तो इसमें आपका कितना रेट दिया हुआ है? 0.1 का रेट दिया हुआ है हम लोग को. तो हम लोग क्या करेंगे सब्सिडी के लिए? यूनिट्स जनरेटेड इनटू दिस इनटू ये वाला हाफ ईयरली अक्यूमुलेशन इनटू 2. कैंसिल आउट हो जाएगा एनी विच वे, 0.5 और 2, आधा साल का अक्यूमुलेशन और इनटू 2, ये हो गया. नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इनटू 0.1, इसको मैं कर दूंगी एब्सोल्यूट, इनटू दिस 1 ईयर का अक्यूमुलेशन, एंड ये कितने साल तक मिलेगा हम लोग को नेक्स्ट, और लास्ट कौन सा साल? मैंने 6 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए, बट मिलना चाहिए. बट यहां पे भी एक कैच है. टोटल 5 ईयर्स ऑफ क्या बोला है? 5 ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन आपका पहला साल का आधा से स्टार्ट हो रहा है, तो 6th ईयर का आधा मिलेगा ना, तब जाके 5 ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ. अब यहीं पे मार्क्स 7 मार्क्स क्यों दिए भाई? इस कॉलम का ही 5 मार्क है, फ्री का नहीं है, इस कॉलम का ही 5 मार्क है. तो अगर ये मिस्टेक होता कि तुम लोग यहां तक कर देते, स्ट्रेट अवे -2. इसको नहीं, इस वाले को हम लोग आधा साल का ही अमाउंट लेंगे ना, खाली पहला आधा साल का अमाउंट लेंगे. तो अब ये कैसे करेंगे बताओ? फिर ये पूरा एनुअल फिगर है, divide by 2 into 2 करना होता है. divide by 2 इसीलिए क्योंकि ये पूरा साल का फिगर है, आपको आधा साल का, जैसे यहां पे आधा साल का यूनिट जनरेटेड था, ये आधा साल का यूनिट जनरेटेड. divide by 2 into 2 क्योंकि एनुअल आपको अमाउंट लेना है. अब इंस्टेड ऑफ दिस एनुइटी यू विल टेक दिस एनुइटी. ठीक है, एक चीज और होगा इसमें, इनटू 1 + i^0.5. लेट मी मैच द आंसर. नहीं समझा? ये पूरा साल का फिगर है, divided by 2 करेंगे क्योंकि आधा साल की आपको मिलेगा. वो हो गया आपका आधा साल का फिगर, बट आपको एनुअल फिगर लेना होता है तो इनटू 2. एक ही बात है, कैंसिल आउट हो गया तो मैं नहीं लिख रही हूं अलग से. इनटू 0.1 फॉर द प्राइस, इनटू s 0.5 to विच इज अ आधा साल अक्यूमुलेशन. अब आपको पहला आधा साल मिल रहा है, दूसरा आधा साल नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट हाफ ईयर मिल रहा है, तो आप 6 मंथ के एंड पे पहुंचे. अब इस 6 मंथ के एंड पे आपको पूरा ईयर एंड पे लेके जाना है, इसीलिए 1 + i होल्ड टू दी पार. अब तुम लोग बोलोगे आधा साल का मिल रहा है, तो सेम थिंग आप सेकंड हाफ लो, बट मेरा अमाउंट आया कब है? 6 मंथ के एंड पे अमाउंट आया है,
पैसा गवर्नमेंट में 6 मंथ के एंड पे दिया है, तो उसको आपको ईयर एंड पे लेके जाना है। ऑल्दो आप बोलोगे अमाउंट तो सेम है, बट अक्यूमुलेशन तो अलग हो जाएगा ना। अगर तुम लोग 6th ईयर के एंड पे लोगे तो अक्यूमुलेट नहीं करोगे, बट आइडियली मिला कब है, 5.5 पे मिला है, तो ये अक्यूमुलेट होगा। ठीक है, अब नाउ इन दिस फिगर यू जस्ट नीड टू एड दिस सब्सिडी, एंड यहां पे भी यू जस्ट नीड टू एड दिस सब्सिडी एंड रैक, एंड दिस इज ऑल योर। देखो डीपीपी कहां से कहां पहुंच गया, सीधा 12th पे। आंसर्स मैं मैच कर लेती हूँ, सीधा 12th पे पहुंच गया, इतना पहले पहुंच गया, सोचो, क्योंकि बहुत अमाउंट आ गया ना एक्चुअली, और शुरू में ही आपका बहुत सारा नेगेटिव था। टोटल ये आएगा 256614। एक बार इसका लास्ट पार्ट कर लो, देन आई विल गिव यू ऑल टाइम टू, क्योंकि कमेंट है 7 मार्क्स का, तो 7 गुड पॉइंट्स हम लोग को लिखना है। कमेंट ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ द मॉडल एंड द अजम्पशंस यूज्ड बाय ग्रीन एनर्जी। तो सब चीजों पे कमेंट करना है, सूटेबिलिटी पे कमेंट करना है, अजम्पशंस पे कमेंट करना है, तब जाके 7 मार्क्स मिलेगा, एंड मे बी 3+4 हो या जो भी। तो पहले तो कमेंट करते हैं मॉडल का सूटेबिलिटी पे। तो मॉडल का क्या क्या सूटेबिलिटी है बोलो। मॉडल हमने 30 ईयर्स का इसमें बनाया है, बट आइडियली मॉडल का कोई एंड पॉइंट नहीं है। दैट डिपेंड्स आपके जनरेटर्स कब खराब हो जाएंगे, सोलर पैनल्स या जो भी हैं, है ना। तो देयर इज नो एंड पॉइंट। और क्या बोल सकते हैं, आप लोग अगर आपका प्रोजेक्ट अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, डीपीपी पीपी निकाल सकते हैं, बट आईआरआर नहीं निकाल सकते व्हेन योर प्रोजेक्ट इज ऑफ अनलिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं ना आपका प्रोजेक्ट कब जाके खत्म होगा, कब आपके सोलर पैनल्स खराब हो जाएंगे, फिर आप उसको बेच दोगे स्क्रैप के जैसे, तो वो आपको नहीं पता। तो एनपीवी, अक्यूमुलेटिंग फैक्टर, अक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रॉफिट या आईआरआर, ये सब आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये आपका हो गया सूटेबिलिटी ऑफ द मॉडल। और अजम्पशंस का क्या क्या सूटेबिलिटी है, हमने क्या क्या अजम्पशंस लिए, हमने मिडिल ऑफ द ईयर का अजम्पशन लिया है, मिडिल ऑफ द ईयर का नहीं, वैसा कुछ हमने अजम्पशन लिया कि यूनिट्स यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट अगर ये सोलर पैनल्स का बात हो रहा था क्या इधर, हाँ, तो थ्रू आउट द ईयर सेम यूनिट्स नहीं जनरेट होते। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में कम होंगे एंड समर सीजन में ज्यादा यूनिट्स होंगे, तो वो हमने नहीं कंसिडर किया। हमने बोला कि डिमांड एंड सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई इज इवन थ्रू आउट द ईयर। तभी तो आप बेच रहे हो ना 0.12 करके, आप पूरे साल आप सेम अमाउंट से बेच रहे हो, बट वो भी नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी मे बी इज रिक्वायर्ड मोर ड्यूरिंग द समर मंथ, जब आपके फैंस, आपके एयर कंडीशनिंग ये ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपको उस समय ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होता है। सो इट इज अगेन नॉट द सेम, इट विल चेंज। और क्या बोल सकते हैं बताओ, अपने कॉम्पिटिशन, क्योंकि देखो 7 मार्क्स है, तो ये सब पॉइंट्स आप लोगों को लिख लेना चाहिए एक जगह पे, कीवर्ड्स। आपने यहाँ पे जब सप्लाई डिमांड का बात किया, आपने कंपटीशन कहीं कंसिडर नहीं किया। आई विल शो द फॉर्मूला फॉर सब्सिडी, ये लो। आपने कंपटीशन कंसिडर नहीं किया, आपको कंपटीशन कंसिडर करना चाहिए व्हाइल कंसिडरिंग द डिमांड। और बोलो, हाँ, तो ये जो रिडक्शन इन यूनिट प्रोड्यूस्ड है 0.5% का, हो सकता है दिस विल चेंज। ये जरूरी नहीं कि इसी लेवल से डिक्रीज हो। ठीक है, और हम लोग और कोई फ्यूचर कॉस्ट कंसिडर नहीं कर रहे अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस कॉस्ट। हो सकता है कभी खराब हो जाए तो आपको रिपेयर कॉस्ट, चेंज कराने का कॉस्ट, ये सब कुछ चाहिएगा। सीजनल वेरिएशंस कंसिडर नहीं करे। आफ्टर 5 ईयर्स गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगा, टैक्स लेगा, सब्सिडी देगा, वो कंसिडर नहीं कर रहे। और देखो 7 मार्क्स है, तुम लोग को पॉइंट्स लिख लेना चाहिए। पॉइंट्स लाइक गवर्नमेंट, टैक्स,
कॉम्पिटिशन, सीजनल वेरिएशन, ये सब एक जगह लिख लो. इससे क्या होगा ना, ये हर प्रोजेक्ट अप्रेजल के सब में काम आएगा. डिमांड सप्लाई, अजम्पशन ऑफ इन्फ्लेशन अगर कहीं पे है तो, लास्ट सेल एट टाइम 6 लो. मैं आंसर्स खोल दूंगी तुम लोग के लिए, रुको. ठीक है मिताली, ये एनुअल फिगर है, इनटू दिस एस 0.512, और ये तुम्हारे 6 मंथ के एंड पे मिला है, तो उसको 1.5 ईयर से और अक्यूमुलेट कराना है, हो गया. ये रीड कर लो सब लोग. देखो 7 मार्क्स है इसमें, तो तुम लोग महा ही रबिश लिख के आएगा, तो तुम लोग को तो 2 मार्क्स भी पता नहीं भगवान कैसे देगा. कोई अगर एग्जामिनर दुख, तुम लोग का दुख दर्द देख के दे भी दे 2 मार्क्स, तो उससे भी आई डोंट नो पास होगे कि नहीं. ये सब हर एक चैप्टर, मतलब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय CT5, CT1 में उतना कमेंट्स प्रोजेक्ट अप्रेजल में है, ठीक है. मैंने क्या किया था, मैंने 2-3 पेज में लिख लिया था बेसिक कीवर्ड्स हर चैप्टर से रिलेटेड, प्रोजेक्ट अप्रेजल से रिलेटेड, लोन शेड्यूल से रिलेटेड, उसके पहले कुछ है नहीं. बॉन्ड्स, इक्विटी, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे, फिर आपका जॉइंट लाइफ से रिलेटेड बन जाएगा, फिर आपका प्रोजेक्ट अप्रेजल से 3-4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसके बन जाएंगे. इंटरेस्ट रेट अलग है, यूनिट फंड का ग्रोथ रेट अलग है, नॉन यूनिट फंड का ग्रोथ रेट अलग है, उससे रिलेटेड, रिजर्व से रिलेटेड. तो ऐसे करके आप लोग खाली 2 पेज जब रिवाइज कर रहे हो तो बेवकूफ के जैसे नहीं रिवाइज करना है. लाइक स्टूपिड को क्या बोलते हैं, और बेटर वर्ड स्टूपिड को बोलने का, मतलब स्टूपिड एंड डम पर्सन के जैसे नहीं बैठना है रिविजन करने, ठीक है. स्मार्टली अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, भगवान ने 24 आवर्स ही दिए. अब तुम लोग ये सोचो कि वी विल जस्ट स्लीप फॉर 5 आवर्स, बीइंग अ स्टूडेंट इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग. 7-8 आवर्स सो ना, कौन रोक रहा है, बट जब 6-7 घंटे पढ़ रहे हो तो स्मार्टली पढ़ो. ये सब लिख लो, सेम चीज को 10 बार पढ़ने से याद नहीं होता है, बट वो 5-6 पॉइंट्स लिख लोगे, फिर जब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्या करोगे बताए, वो पॉइंट खोलोगे, पहले खुद से मन में वो पॉइंट्स बोलोगे, यार ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, फिर आंसर से मैच करना है, देखना कि तुम लोग आंसर कर पा रहे हो उस क्वेश्चन को. अगर इसी टाइप का क्वेश्चन कल आता है और तुम लोग फिर भी नहीं आंसर कर पाते, तो तुम लोग से बड़ा गधा कोई है ही नहीं दुनिया में. तुम लोग एक्चुअलीज मत करो, तुम लोग जाओ डिजाइनिंग में, ठीक. आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनी फील्ड, बट इन अ फील्ड जहां पे तुम लोग स्मार्टनेस उतना नहीं जरूरी, क्रिएटिव फील्ड में जाओ, तुम लोग क्रिएटिव माइंड में रहते हो, थोड़ा स्मार्ट बनो, ठीक है. स्मार्ट बनो, स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हो ना, तो स्मार्ट बनो. सेम आई विल आस्क टुमारो नहीं बोल पाएगा, कोई नहीं बोल पाएगा. सेल्फ फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो कोई नहीं बोल पाएगा कल, ये वर्ड ही भूल जाओगे तुम लोग कल तक. मेरे को तुम लोग एंड में लिख के दिखाओगे पूरा नोट्स कि तुम लोग लिखे हो कि नहीं एक जगह, बीट ऑन योर लैपटॉप और बीट ऑन योर पेन पेपर. मेरे CS2 के स्टूडेंट्स को मैंने शुरू से ही बोल रखा है, दे प्रॉपरली राइट, बिकॉज CS2 CM2 में 25-30 मार्क्स का कमेंट्स आते हैं पेपर ए पेपर बी में, दोनों में. अभी से हैबिट नहीं बनेगा CS2 CM2 फेल, थर्ड टाइम पास, फोर्थ टाइम पास, वैसा होगा तुम लोग का. यू विल बिकम एन एक्चुअली इन 10 ईयर्स ऑफ टाइम. बोलो क्लियर. टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट्स, ये लंच ब्रेक नहीं है, खाली ऐसी टी ब्रेक है, टी ब्रेक भी नहीं है, सिंपल ब्रेक है, वॉशरूम ब्रेक 10 मिनट्स का. उसके बाद हम लोग सेकेंड पेपर स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पेपर का एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आई विल गिव यू ऑल लंच ब्रेक. बोलो मिताली. मैम एक बार अक्यूमुलेटेड वैल्यू का आंसर. यस मैम.